मेरा नाम ईवा रियाज है और मैं दुख्तरान पलूस की पोस्टुलेंस हूँ हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस बा मुताबिक मुक़दस यूहाना तीन बाप इकतीस से छत्तीस ए तक जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है वो जो ज़मीन से है ज़मीनी है वो ज़मीन की बातें करता है जो आसमान से आता है वो सब ऊपर है और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने मोहर कर दी है कि खुदा सच्चा है क्योंकि जिसे खुदा ने बेचा है वो खुदा की बातें कहता है क्योंकि वो पैमाना से रू नहीं देता बाप बेटे को प्यार करता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी है जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता वो जिंदगी को नहीं देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुक्र हो मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों आज पाशकई मौसम के दूसरे हफ्ते की जुमेरात है आज की इंजीले मुक़दस पर ध्यानो ज्ञान के साथ फ़ादर इमेन नज़ीर मानी इंग्लैंड से डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब है हम सबसे पहले खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि उसका मुर्दों में से जी उठना हमें नई उम्मीद अता करता है आज की इंजीले मुकदस में खुदामसुमसी निकोदीमस से मुखातिब हैं निकोदीमस एक फ्रीसी था जो कि युहन्ना की अंजील के तीसरे भाव के मुताबिक रात को खुदामद यसु मसीह के पास आता है ताकि की तालीम से आगाही हासिल कर सके खुदामद यसु मसीह निकोदीमस के साथ अपनी अलोहीत खुदा के साथ ताल्लुक और रूह पाक के साथ ताल्लुक पर बातचीत करते हैं खुदामद यसु मसीह की अलोहीत इस बात का सबूत है कि खुदा ने अपने बेटे को एक ख़ास मिशन के तहत दुनिया में भेजा है और वो मिशन ये है कि अपनी ज़िंदगी और कलाम के ज़रिए यहाँ तक कि अपनी सलीबी कुर्बानी और मुर्दों में से जी उठने के ज़रिए इंसानों को कसरत से ज़िंदगी अता करे ख़ुदाम में मसीह निकोदीमस के साथ डायलॉग में दावा करते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं और उनके आसमानी बाप ने उन्हें भेजा है और चूँकि वो आसमान से आए हैं इसलिए वो बाप को बेहतर तौर पर जानते हैं और अपने जाती तजुर्बा की बना पर खुदा और आसमान के बारे में हकायक बयान कर सकते हैं इसीलिए खुदादी उसमत सी फरमाते हैं कि जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है वो जो ज़मीन से है ज़मीनी है और ज़मीन की बातें करता है जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है इसलिए बेटे की गवाही कामिल है क्योंकि वो बाप को जानता है क्योंकि बाप और वो एक हैं जिसने बेटे को देखा है उसने बाप को देखा है यहूदियों का ये यकीन था कि नबियों को खुदा की रूह से कुछ हिस्सा मिलता था लेकिन खुदामद यसु मसीह इस बात पर जोर देते हैं क्योंकि वो बाप के इकलौते बेटे हैं इसलिए वो खुदा की अलूहियत और रूह में मुकम्मल शराकत रखते हैं इस बना पर मसीह खुदामद की तमाम तालीम बाख्तियार है और उसके वादे सच्चे हैं क्योंकि खुदा सच्चा है खुदाद यीशु मसीह आज की अनजीले मुक़दस में इस बात पर जोर देते हैं कि उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है और वो तमाम लोग जो उस पर भरोसा करते और उसमें कायम रहते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी के वारस बन जाते हैं खुदा यीशु मसीह इस अबदी सच्चाई पर इस तरह मुहर सबत करते हैं जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता वो ज़िंदगी को नहीं देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है मसीह खुदाद में रज़ीज़ो आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम खुदामद यसु मसीह पर अपना पुख्ता ईमान रखें हकीकी ज़िंदगी उम्मीद ख़ुशी और सुकून ख़ुदामद यसु मसीह के पास है जो उस पर ईमान रखते हैं और ज़िंदगी के दुख सुख बीमारी और तंदरुस्ती में हमेशा उसके साथ मुंसलिक रहते हैं वो अबदी खुशी और नजात पाते हैं हमने पिछले हफ्ते ईस्टर का त्यौहार मनाया है और यह ही मौसम है खुदामद यसु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना और उसकी क्यामत पर पुख्ता यकीन रखना मसीही ईमान का बुनियादी हिस्सा है खुदामद यसु मसीह ने कदम कदम पर ज़िंदगी बाँटी और स्लीप पर मर कर और मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी का इनाम बख्शा है ख़ुद यसु मसीह ने मौत की नुमाइंदा कुतों जबरो इस को ख़त्म किया और नई जिंदगी को बहाल किया खुदाम यसु मसीह की मौत पर फतह से गुना नजात में बीमारी तंदरुस्ती में दुख सुख में और नाानसाफी इंसाफ में तब्दील हो गई है यसु के ज़िंदा होने से तारीकी रोशनी में तब्दील हो गई है नफ़रत मोहब्बत में और गुनाह नजात में तब्दील हो गया है मेरे जीज़ो पाशका के ये अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने कोलोफेल से खुदामद यसु मसीह के मुर्दों से ज़िंदा होने मौत और कब्र पर फतह पाने को अपनी ज़िंदगी की गवाही और नेक नमूने से ज़ाहिर करें हम उन ताकतों को रद्द करें जो ज़िंदगी को महदूद और महकूम करती हैं उन रवैया जात को तब्दील करें जो दूसरों की ज़िंदगी का दायरा तंग करते हैं हमने वो काम तर्क करने हैं जो ज़िंदा होते हुए भी हमें अपाहज कर देते हैं हमने यसु के ज़िंदगी बख्श पैगाम को अपने नेक एमाल के ज़रिए ज़िंदा रखना है हमने अपनी ज़िंदगी से यसू के जिंदा होने की गवाही देनी है हम मसीह खुदामत के सच्चे और खरे शागिर्द और उसकी पाशका में शराकत करेंगे जब हम नफरत को मोहब्बत में बदलेंगे दुख सुख में लड़ाई सुला में तारीकी रोशनी में नाउमीदी उम्मीदी में झूठ सच्चाई में और इससाल इंसाफ में बदलेंगे मेरी दुआ है खुदा करे कि खुदात यसु मसीह हम सब को कसरत से बरकत दें ताकि हम ऐसा कर सकें Amen.